लेकिन देखिए यहां पर महत्वपूर्ण है ना, अब सिर्फ मुंबई से ही आवाज नहीं उठ रही है, अब कश्मीर से भी आवाज उठी है। महबूबा मुफ्ती की ओर से कहा गया है कि चूंकि सरनेम खान है, इस वजह से शाहरुख खान के बेटे को निशाने पर आप ले रहे हैं ताकि बीजेपी अपने वोट बैंक को खुश कर सके। क्या देंगे इस पर जवाब आप? धन्यवाद। हाँ चित्रा जी धन्यवाद, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पहले तो मैं बता रहा था नवाब मलिक जी के दामाद को महीने में मिली। आपके चैनल पे आके नवाब अपनी नवाबी दिखा रहे थे, कह रहे थे हम कोश करा लेंगे। 9 महीने का समय क्या पर्याप्त नहीं था कि अपने खिलाफ जो दामाद की FIR हुई वो कोश करा लेते? अब मैं आता हूं महबूबा मुफ्ती पे। मुझे बड़ा दुख होता है कि अपराधियों का भी धर्म देख के बात करी जाती है। आप महबूबा मुफ्ती जी से ये जरूर सवाल करिएगा कि जब मुख्यमंत्री बनाई गई चित्रा जी, तब क्या मुसलमान नहीं थी? शाहरुख खान को भारत ने जितना प्यार दिया है तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या सलमान खान जो है वो सलमान रस्तोगी हैं? आमिर खान जो है वो आमिर भाटिया हैं? शाहरुख खान क्या शाहरुख गुप्ता हैं? खान देख के क्या कार्रवाई होती है? और दुख की बात यह है, मैं बता दूं ये वो देश है जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बन के रहते हैं, लेकिन एक अपराधी जब पकड़ा जाता है क्योंकि वो किसी स्टार का बच्चा है इसलिए वो कानून से ऊपर हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। अगर किसी ने कोई गलत कार्य किया है तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और महबूबा मुफ्ती ने जो आज कहा है वो शर्मसार करने वाला है, देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं कर। एनसीपी की ओर से प्रवक्ता क्लाइव क्रिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आप देखिए सर, एनसीपी को लेकर बहुत सारे सवाल और नवाब मलिक तो अपनी बातें कह ही रहे हैं, लेकिन एनसीपी तो अपना काम कर रही है ना, जांच अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। क्या ये नहीं माना जाएगा कि राजनीतिक बयानबाजी बार बार आके उनके काम को, उनके मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है? और एनसीपी को, एनसीपी के भीतर एनसीपी आपकी पार्टी को खोट इतनी ज्यादा क्यों नजर आ रही है? चित्रा जी एक सवाल जो हमने उपस्थित किए थे, आवाज आ रही मेरी आपको? आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। सवाल हमने उपस्थित किए थे, ठीक है, उस सवालों का जवाब देने के बजाय बीजेपी यहां वहां की बातें कर रही है, ठीक है। नवाब मलिक साहब जो है उनके दामाद के बारे में आप बात कर रहे हैं, एक बात आप ध्यान रखिए, वो उनका एक दामाद एक तरफ है और एक तरफ वो एक एक राजनीतिक पक्ष के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। अगर कोई मुख्य प्रवक्ता ने सवाल उठाए हैं और उसके साथ में वीडियो पेश किए है, प्रूफ पेश किया है, तो उस चीज का जो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे बीजेपी? बात दोहराना चाहता आपको, मनीष भानुशाली है, केपी गोसावी है, ये दो लोग वहां क्या कर रहे थे उसका जवाब तो दे नहीं पा रहे। उसमें से एक जो गोसावी है वो हिस्ट्री शीटर है, उसके नाम पर केस दर्ज है पुणे में। अगर एनसीबी किसी को बुलाती है तो उसका पीछे का बैकग्राउंड नहीं चेक करती, वो जांच नहीं लेती है कि कहाँ के लोग है, कैसे लोग है। भानुशाली है, वो बीजेपी का एक उपाध्यक्ष कहता है, बाद में उसका प्रोफाइल चेंज कर देता है, बोल तो रही है कि रेड के पहले तक इन लोगों को नहीं जानते थे। एनसीबी बोल तो रही है, आपके सवालों पर ही जवाब दिया एनसीबी ने। मेरी बात